साल 2020 इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में एक नई वेव लेके आने वाला है, क्योंकि इस साल फाइनली आपको 5G रेडी स्मार्टफोन्स इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। अब हालांकि 5G सपोर्ट वाले कई सारे चिपसेट मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे टॉप पर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट। ये प्रोसेसर दमदार परफॉर्मेंस और स्पीड के लिए जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फोन्स की जानकारी दूंगा जो कि 865 चिपसेट के साथ इंडिया में इस साल देखने को मिल सकते हैं। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको हमारी आईडीज मिल जाएंगी या फिर मेरी पर्सनल आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए देखते हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट इन इंडिया। स्मार्टफोन्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको इस प्रोसेसर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। आपको बता दूं कि ये प्रोसेसर पहले के मुकाबले 25% ज्यादा पावर एफिशिएंट और ताकतवर है। इस चिपसेट के आने की वजह से AI और भी इंटेलिजेंट हो जाएगा, फोटोग्राफी इंप्रूव हो जाएगी और गेमिंग लेवल पहले से भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए अब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 और 855 के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। अब आप इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर मैं साइड बाय साइड इन दोनों प्रोसेसर में आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दोनों में आपको हाईएस्ट क्लॉक स्पीड 2.84 गीगाहर्ट्ज़ मिल जाएगी, लेकिन 865 में कोर्टेक्स 877 का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 855 में कोर्टेक्स A76 है। जीपीयू पर नजर डालें तो 865 चिपसेट में आपको Adreno 650 GPU मिलता है, तो वहीं 855 में Adreno 640 दिया गया है। RAM की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर 16GB तक की RAM सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहां 865 में LPDDR5 RAM का सपोर्ट दिया गया है, तो वहीं 855 में LPDDR4X का सपोर्ट है। ये दोनों प्रोसेसर आप देख सकते हैं कि 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बने हैं। कैमरा सपोर्ट पर अगर हम गौर करें तो 865 में 64 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है विद जीरो शटर लैग, या फिर कहें तो 24 मेगापिक्सल के दो कैमरा भी कंपनी इसमें इंस्टॉल कर सकती है। वहीं 855 की बात करेंगे तो इसमें 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है, दैट ऑल्सो विद जीरो शटर लैग। इसमें भी 24 मेगापिक्सल के दो कैमरा सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। 865 चिपसेट 855 की तुलना में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, जबकि 855 में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन दिया गया है। चार्जिंग स्पीड देखी जाए तो 865 में क्विक चार्ज 4+ है और क्विक चार्ज AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि 855 में क्विक चार्ज 4+ ही दिया गया है। वहीं मॉडर्न की ओर रुख करें तो 865 में X55 5G एंड RF सिस्टम दिया गया है। इसमें 7.5 Gbps की डाउन स्पीड है और 3 Gbps की अप स्पीड, जबकि 855 में X24 LTE का मॉडम इस्तेमाल किया गया है। इसमें 2 Gbps की डाउन स्पीड है और 318 Mbps की अप स्पीड। अब ये कंपैरिजन देखने के बाद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि 855 चिपसेट में सिर्फ 48 मेगापिक्सल कैमरा सपोर्ट है और 865 में सिर्फ 64 मेगापिक्सल। तो आपको बता दूं कि ऐसा क्यों, कंपनी चाहे तो 855 चिपसेट में 64 या फिर 108 मेगापिक्सल कैमरा भी आपको मुहैया करवा के दे सकती है, पर वो जो टेक्नोलॉजी होती है पूरी तरह से 64 या 108 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन वाली नहीं होती। वो बेसिकली पिक्सल बाइंडिंग के थ्रू आपको 64 और 108 मेगापिक्सल कैमरा वाली फोटोग्राफी मुहैया करवा पाते हैं, जिसकी वजह से जब आप फोटो खींचते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रोसेसिंग टाइम लगता है। लेकिन जो ये 48 मेगापिक्सल कैमरा मैंने आपको बताया, ये जीरो शटर लैग कैमरा है, यानी आपने फोटो क्लिक की और तुरंत से सेव हो गई बिना किसी प्रोसेसिंग टाइम के। ऐसा ही सेम 865 के साथ भी है, उसमें 64 मेगापिक्सल का जीरो शटर लैग कैमरा सपोर्ट दिया गया है। हालांकि उसमें कंपनी जो है वो 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा आपको मुहैया करवा के दे सकती है, पर अगेन वो पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी होगी और प्रोसेसिंग टाइम आपको उसमें मुहैया करवाया जाएगा। तो ये थी मेरी ओर से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट को लेकर छोटी सी जानकारी। अब आपका सवाल यह होगा कि इस प्रोसेसर के साथ कौन से स्मार्टफोन है जो कि इंडिया में आने वाले हैं। तो सबसे पहला नाम होने वाला है iQOO का। जी हाँ, iQOO वीवो का सब ब्रांड है चाइना में, लेकिन इंडिया में ये एक अलग आइडेंटिटी के रूप में पेश किया गया है और इस ब्रांड के तहत आपको इंडिया में 25 फरवरी को iQOO 3 नाम का स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, जो कि कंपनी ने कंफर्म कर दिया है। 865 चिपसेट के अलावा इसमें आपको 12GB तक की रैम, 6.44 इंच का फुल HD+ रेजोल्यूशन सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिल सकता है। रियलमी ने बताया था कि इस साल MWC में वो अपना डेब्यू करने वाली है, पर अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस के चलते MWC 2020 कैंसिल कर दिया गया है। पर रियलमी ने हार नहीं मानी है,
माना जा रहा है कि 24 फरवरी को कंपनी अपने नए स्मार्टफोन X50 Pro को पेश तो करेगी, लेकिन वो इवेंट मैड्रिड में रखा जाएगा। ऐसे में यहां पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी इस 865 चिपसेट वाले स्मार्टफोन को मार्च के महीने इंडिया में ला सकती है, क्योंकि कंपनी ने खुद बताया था कि MWC के बाद ये फोन इंडिया में भी जल्द पेश किया जाएगा। अब हालांकि इस फोन के स्पेसिफिकेशन पर तो पर्दा नहीं उठा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस दमदार प्रोसेसर के साथ इसमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट कैमरा, 12 GB तक की रैम और 4500 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल सकती है। तो वहीं मनु कुमार जैन ने भी ट्वीट करके बताया है कि बहुत जल्द कंपनी की Mi 10 सीरीज इंडिया में आने वाली है। ऐसे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Mi 10 सीरीज मार्च के महीने आने वाली है और एक बार फिर से रियलमी और रेडमी आमने सामने होने वाले हैं। यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि कौन सा बेहतरीन फोन माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही फोन में पावरफुल चिपसेट दिया गया है। Mi 10 की अगर हम बात करें तो इन फोन्स में आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाता है, 12 GB तक की रैम दी गई है, 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप भी है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट के बारे में तो आप जानते ही हैं। OnePlus हर साल फ्लैगशिप किलर के नाम पे टॉप नॉच प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन्स लेके आती है। साल 2019 में कंपनी ने OnePlus 7 और 7T सीरीज के बेहतरीन स्मार्टफोन्स पेश किए थे, जो कि काफी पावरफुल थे। माना जा रहा है कि कंपनी इस साल OnePlus 8 और 8 Pro को लाने की तैयारी कर रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल कंपनी टॉप नॉच प्रोसेसर के साथ स्मार्टफोन लेके आती है, तो वहीं इस साल भी कंपनी 865 चिपसेट के साथ इन दोनों फोन्स को पेश करने वाली है। आपको बता दूं कि हालांकि इन फोन्स को लेकर अभी पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन काफी लीक्स आ चुके हैं। जैसे कि OnePlus 8 Pro में आपको 6.65 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जिसमें 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश होगा, जबकि OnePlus 8 में 6.5 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। वहीं माना जा रहा है कि इनमें से एक फोन में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। नो डाउट LG के स्मार्टफोन काफी बेहतरीन होते हैं। LG हमेशा ही पावर पैक्ड और फीचर लोडेड स्मार्टफोन्स जरूर लेके आती है, पर यहां पर कंपनी से एक शिकायत है कि कंपनी इन स्मार्टफोन्स को इंडिया में लाने में काफी डिले कर देती है। पर एनीवे, अब डिले करे या टाइम पर लेके आए, लेकिन इस साल भी कंपनी अपना फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन LG G9 इंडिया में जरूर लेके आएगी। हाल ही में इस फोन के कुछ लीक सामने आए हैं, जिसके अनुसार माना जा रहा है कि इसमें 6.7 या फिर 6.9 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है, OLED पैनल होगा, क्वाड रियर कैमरा सेटअप होगा, साथ ही साथ इसमें आपको 12 GB तक की रैम देखने को मिल सकती है, वाटर ड्रॉप नॉच दिया जाएगा और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट भी इसमें मुहैया करवाया जाएगा। तो ये थे टॉप 5 स्मार्टफोन जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इनके अलावा भी कई सारे स्मार्टफोन्स होंगे, लेकिन उनके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी सामने नहीं आई है। अब उनके नाम अगर हम लें तो Redmi K30 Pro है, Oppo Find X2 है, Asus ZenFone 7, Samsung Galaxy Fold 2, Nubia Red Magic 5G और Asus ROG 3 जैसे कुछ फोन्स हैं जो कि आ सकते हैं, पर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। इनके अलावा भी कुछ फोन्स होंगे, पर जैसे ही हमारे पास उनकी जानकारी आएगी हम डेफिनेटली आपको उनके बारे में विस्तार में जरूर बताएंगे। पर anyway, अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Until then, this is Keshav Khera signing off.